नमस्कार। दैनिक जागृति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम किसान भाइयों को बताएंगे कि भिंडी की उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं और उनसे आपको कितनी पैदावार प्राप्त हो सकती है। लेकिन उससे पहले मैं अपने किसान बंधुओं से कहना चाहूंगा, यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बाद में दिखाई देने वाले घंटे के आइकॉन को दबाना मत भूलिए। इससे आपको समय समय पर कृषि से जुड़े महत्वपूर्ण वीडियो उपलब्ध होते रहेंगे, जिसमें आप अपनी समस्याओं का समाधान और कृषि से जुड़ी नई नई तकनीकियों की जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। और यदि वीडियो में उपलब्ध जानकारी से आप संतुष्ट हैं, आपको जानकारी अच्छी लगे तो हमारा वीडियो अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक किसान भाइयों के पास वीडियो पहुंचे। तो आइए जानते हैं भिंडी की उन्नत किस्मों की विशेषताएं और पैदावार। भिंडी की उन्नत खेती के लिए उसकी उन्नत किस्मों का चयन करना आवश्यक है। कृषकों को अधिक पैदावार के लिए अपने क्षेत्र की प्रचलित भिंडी की किस्म का चयन करना चाहिए। इसके साथ साथ उस किस्म की विशेषताएं और उपज की जानकारी भी होना आवश्यक है। कृषकों की जानकारी के लिए इस वीडियो में भिंडी की उन्नत किस्मों की, जैसा कि मैंने बताया, विशेषताएं और पैदावार का वर्णन है। और यदि आप भिंडी की उन्नत खेती की जानकारी चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं या फिर यूट्यूब चैनल पर हमारा वीडियो भी देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं भिंडी की उन्नत किस्में। किसान भाइयों, सबसे पहली है इसार उन्नत। नंबर एक, इस भिंडी की किस्म के पौधे मध्यम ऊंचाई के 90 से 120 सेंटीमीटर और इंटरनोड पास पास होते हैं। नंबर दो, पौधे में 3 से 4 शाखाएं प्रत्येक नोड से निकलती हैं। नंबर तीन, इस भिंडी की किस्म की पत्तियों का रंग हरा होता है। नंबर चार, पहली जुताई 46 से 47 दिन बाद शुरू हो जाती है, यानी तुरुआई फलों की पहली। उसके बाद है किसान भाइयों, इसकी औसत पैदावार आपको कितनी मिल सकती है, वो है 12 से 13 टन प्रति हेक्टेयर आपको इसकी पैदावार प्राप्त हो सकती है। नंबर छह, फल 15 से 16 सेंटीमीटर लंबे हरे आकर्षक होते हैं। नंबर सात, यह किस्म वर्षा और गर्मी दोनों समय के लिए उपयुक्त है, यानी आप दोनों सीजन में इसकी खेती कर सकते हैं भिंडी की इस किस्म द्वारा। उसके बाद है किसान भाइयों, BRO6। इस भिंडी की किस्म को काशी प्रगति के नाम से भी जाना जाता है। नंबर दो, यह किस्म एलोवेन मोजेक विषाणु रोग की रोधी है। और नंबर तीन, पौधे की औसतन ऊंचाई वर्षा ऋतु में 175 सेंटीमीटर और गर्मी ऋतु में इसकी थोड़ी सी कम रहती है। इसके इंटरनोड पास पास होते हैं और औसतन 38वें दिन फूल निकलना शुरू हो जाते हैं बुआई के। और नंबर छह, गर्मी में इसकी औसतन पैदावार 13.5 टन और बरसात में 18 टन प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त की जा सकती है अच्छे प्रबंध और क्रियाओं द्वारा। उसके बाद है किसान भाइयों, PUSA A4। यह भिंडी की एक उन्नत किस्म है। यह एफिड और जेसिड के प्रति सहनशील किस्म है। यह पीत रोग येलोवेन मोजेक विषाणु रोधी है और फसल मध्यम आकार के गहरे कम लस वाले 12 से 15 सेंटीमीटर लंबे और आकर्षक होते हैं। इसके फल बोने के लगभग 15 दिन बाद से फलन आना शुरू हो जाते हैं और पहली तुड़वाई 45 दिन के बाद शुरू हो जाती है। इसकी औसतन पैदावार गर्मी ऋतु में किसान भाइयों 10 टन है और खरीफ में 15 टन प्रति हेक्टेयर है। उसके बाद है भिंडी की किस्म किसान भाइयों, परबनी क्रांति। इस भिंडी की किस्म पीत रोग रोधी है और फल बुआई के लगभग 50 दिन बाद आना शुरू हो जाते हैं। फल गहरे हरे और 15 से 18 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। इसकी औसतन पैदावार 9 से 12 टन प्रति हेक्टेयर आपको प्राप्त हो सकती है। उसके बाद है किसान भाइयों, PUSA 7। इस भिंडी की किस्म की पीत रोग रोधी है और फल हरे और मध्यम आकार के होते हैं। बुआई के लगभग 55 दिन बाद फल आने शुरू हो जाते हैं। इसकी औसतन पैदावार किसान भाइयों को 8 से 12 टन प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो सकती है। उसके बाद है किसान भाइयों, अर्का अनामिका। इस भिंडी की किस्म येलोवन मोजेक विषाणु रोग रोधी है। इसके पौधे की ऊंचाई 120 से 150 सेंटीमीटर सीधे व अच्छी शाखा युक्त होते हैं। फल रोम रहित मुलायम गहरे हरे और 5 से 6 धारियों वाले होते हैं। फलों का डंडल लंबा होने के कारण तोड़ने में सुविधा होती है। यह किस्म दोनों ऋतुओं में उगाई जा सकती है। इस किस्म से किसान भाइयों को 12 से 15 टन प्रति हेक्टेयर पैदावार प्राप्त होती है। उसके बाद है किसान भाइयों, वर्षा उपहार। इस भिंडी की किस्म येलोवेन मोजेक विषाणु रोग रोधी है
पौध मध्यम ऊंचाई के 90 से 120 सेंटीमीटर और इंटरनोड पास पास होते हैं। नंबर 3, पौधे में 2 से 3 शाखाएं प्रत्येक नोड से निकलती हैं। पत्तियों का रंग हरा गहरा हरा, निचली पत्तियां चौड़ी और छोटे छोटे लोब सुवाली तथा ऊपरी पत्तियां बड़े लोब सुवाली होती हैं। वर्षा ऋतु में 40 दिन में फूल निकलना शुरू हो जाते हैं और फल 7 दिन के बाद तोड़े जा सकते हैं। फूल निकलने के बाद फल चौड़ी चौथी पांचवी गांठों से पैदा होते हैं। उसके बाद इसकी पैदावार किसान भाइयों को कितनी मिल सकती है? 9 से 10 टन प्रति हेक्टेयर इसकी पैदावार है और इसकी खेती ग्रीष्म ऋतु में भी की जा सकती है। उसके बाद है किसान भाइयों अर्का अधे। यह किस्म येलो एंड म्यूजिक विषाणु रोग रोधी है। इसके पौधे की ऊंचाई 120 से 150 सेंटीमीटर, सीधे और अच्छी शाखा युक्त होते हैं। उसके बाद है किसान भाइयों इसार नवीन। इस किस्म में रोग रोधक क्षमता अद्भुत है। इसके पत्तों का रंग हल्का पीला होता है। वर्षा ऋतु में यह उत्तम किस्म है। इस किस्म की औसतन पैदावार 11 से 12 टन प्रति हेक्टेयर है। उसके बाद है किसान भाइयों HBH। यह भिंडी की एक संकर किस्म है। यह रोग रोधी और इनके पत्तों का रंग हल्का पीला होता है। यह वर्षा ऋतु की फसल है। इसकी औसतन पैदावार 12 से 13 टन प्रति हेक्टेयर है। उसके बाद है किसान भाइयों पंजाब 8। यह येलो वन और मोजेक विषाणु रोग रोधी किस्म है और इसकी किस्म की पैदावार 10 से 11 टन प्रति हेक्टेयर मानी जाती है। इसी तरह किसान भाइयों अन्य किस्मों की हमें जानकारी मिलती रहेगी तो हम यहाँ पे अपडेट देते रहेंगे उनके बारे में। तो इस वीडियो में आपने जाना भिंडी की उन्नत किस्मों की विशेषताएं और उनकी पैदावार। अगर वीडियो में उपलब्ध जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो हमारा वीडियो अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक किसान भाइयों के पास पहुंचे। और यदि वीडियो में कोई समस्या आती है आपको तो आप हमारी वेबसाइट पे आके भी इसके बारे में पढ़ सकते हैं। इसका लिंक हम नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और यदि आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बाद में दिखाई देने वाले घंटे के आइकॉन को दबाना मत भूलिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।